नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पीएम के न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग मेथड या टाइप्स ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग मेथड 3 टाइप्स के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग 2 टाइप्स के होते हैं, डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग ए कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स है। डेडिकेटेड रूट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एंड एंटायर मैसेज इज ट्रांसफर थ्रू इट। सर्किट स्विचिंग एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक है जिसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक रूट एस्टेब्लिश किया होता है, उस रूट के थ्रू कंप्लीट मैसेज ट्रांसफर होता है। अब देखेंगे फेजेज ऑफ सर्किट स्विचिंग कनेक्शन। 3 फेजेस होती है। फर्स्ट इज सर्किट कनेक्शन, सेकंड डेटा ट्रांसफर, थर्ड इज सर्किट डिसकनेक्शन। फर्स्ट देखेंगे सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। इन दिस फेज ए डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टेब्लिश फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्विचिंग सेंटर। इसके अंदर क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक सर्किट एस्टेब्लिश किया होता है और मिड में इंटरमीडिएट स्विचिंग सेंटर होते हैं। द सेंडर एंड रिसीवर ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल टू रिक्वेस्ट एंड एक्नोलेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट। इसमें क्या होगा, सेंडर और रिसीवर जो कम्युनिकेशन सिग्नल यूज करेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेशन सिग्नल एज अ रिक्वेस्ट एंड एक्नोलेजमेंट सिग्नल यूज करेंगे। सेकेंड फेज डेटा ट्रांसफर। वंस द सर्किट हैज बीन एस्टेब्लिश, डेटा एंड वॉइस आर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। द डेडिकेटेड कनेक्शन रिमेन एज लॉन्ग एज द एंड पार्टी के कम्युनिकेट। इसके अंदर एक बार सर्किट एस्टेब्लिश हो गया देन कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा एंड वॉइस दोनों ट्रांसफर होंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये सर्किट तब तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक एंड पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहेगी। थर्ड फेज सर्किट डिसकनेक्शन। व्हेन डेटा ट्रांसफर इज कंप्लीट द कनेक्शन इज रिलिंक्विश्ड, द डिसकनेक्शन इज इनिशिएटेड बाय एनी वन ऑफ द यूजर। डिसकनेक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑल इंटरमीडिएट लिंक्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इसके अंदर क्या होगा, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जो डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट है वो कोई भी लिंक या कोई भी सेंडर या रिसीवर इनिशिएट कर सकता है, और जो इंटरमीडिएट जितनी भी लिंक्स होती है सेंडर रिसीवर के बीच वो भी डिसकनेक्ट हो जाएगी। अब देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट स्विचिंग इन टेलीफोन। ये जो डायग्राम है दो टेलीफोन के बीच सर्किट स्विचिंग को शो कर रहा है। इसके अंदर जो ब्लू बॉक्स है वो स्विचिंग ऑफिसेस को डिनोट कर रहे हैं, और जो ब्लैक लाइन है वो सर्किट या स्विचिंग ऑफिस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, और ये एक परमानेंट लिंक है स्विचिंग ऑफिसेस के बीच। और जो व्हाइट लाइन थी वो कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड लिंक आर एस्टेब्लिश विद द स्विचिंग ऑफिसेस डिनोटेड बाय व्हाइट डॉटेड लाइन। जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होएगा वो व्हाइट डिनोटेड व्हाइट लाइन से डिनोटेड किया जाएगा। इन ए मैनर सो दैट डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टेब्लिश बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टी द कनेक्शन एंड लिंक्स रिमेन एज लॉन्ग एज कम्युनिकेशन कंटिन्यूज। ये लिंक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। अब देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट एडवांटेज, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन सिंस ए कंटिन्यूस ट्रांसमिशन रूट इज एस्टेब्लिश दैट रिमेन थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। जो सर्किट स्विचिंग है वो लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होता है। सेकेंड, द डेडिकेटेड पाथ इंश्योर ए स्टेडी डेटा रेट ऑफ कम्युनिकेशन। जो कनेक्शन है वो इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रांसफर होगा फिक्स रेट से होगा सेंडर और रिसीवर के बीच एक बार सर्किट एस्टेब्लिश हो गए तो। थर्ड, नो इंटरमीडिएट डिले आर फाउंड वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश सो दैट दे आर सुटेबल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। इसमें एक बार सर्किट एस्टेब्लिश होगा तो कोई इंटरमीडिएट डिले नहीं होता, क्योंकि ये सुटेबल होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, बोथ वॉइस एंड डेटा के लिए। अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट, सर्किट स्विचिंग एस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन एंड पार्टीज। दिस डेडिकेटेड कनेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसमिशन एनी अदर डेटा इवन इफ डेटा लोड इज वेरी लो। जो सर्किट स्विचिंग कनेक्शन के अंदर जो एक बार सर्किट किसी को डेडिकेटेड या रिसोर्स अलोकेट कर दिया तो अदर पार्टी उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर डेटा स्लो स्लो लोड हो रहा है तो भी अदर कनेक्शन उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, बैंडविथ रिक्वायरमेंट इज हाई इफ इन केस ऑफ लो डेटा वॉल्यूम। जो बैंडविथ रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होती है अगर डेटा लो वॉल्यूम में भी होगा। थर्ड, देर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्स वंस रिसोर्सेज आर लोकेटेड टू पर्टिकुलर कनेक्शन दे कैन नॉट बी यूज अदर कनेक्शन। एक बार रिसोर्स का लोकेशन कर दिया पर्टिकुलर कनेक्शन तो अदर कनेक्शन उसको यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो कनेक्शन फ्री नहीं हो जाता। फोर्थ, टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन में भी जो टाइम रिक्वायरमेंट है कनेक्शन में वो कभी कभी हाई हो सकता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी कैसे लगी है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।